साहेबंदगी सदगुरु कबीर एक ऐसी शख्सियत रही है जिन्होंने मानव मात्र के हर क्षेत्र और हर स्थिति को जो आंखों देखी है उसको जनमानस के बीच में रखा और उनमें उनका एक पक्ष उलटवासी का भी बहुत प्रभावी है और उसी उलटवासी को आज आपके सामने हम रख रहे हैं जिनको मैंने कालूखेड़ी वाले चेनाजी मारू साहब से सुना और सीखा। कबीर साहब कहते हैं कि हर चीज़ का शोधन करें, उसका खोज करें, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करें और उसी प्रत्यक्षानुभूति को जनमानस के बीच में रखें ताकि हमारे बीच की दूरियां कम हो सके। उलटवासी उनकी इस तरह की है। ऐ जी खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया तो जगत की भ्रमणा सब दूर भागी। अरे बाहर और भीतर एक आकाशवत है और सुषुम्ना डोरी ताह उल्टी लागी। पवन को पलट के सुन्न में घर किया ने घर में अधर भरपूर देखा। अरे कहे कबीर गुरुपुर की महर से और त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। तो धरती तो रोटी भई रे, धरती तो रोटी भई ने कागा लिए जा। अरे पूछो अपने गुरु से वो कहां बैठ कर खाए। ये शब्द कैसे निकला होगा ये भी एक विचारणीय विषय है। ऐ जी नाद नहीं था बिंद नहीं थी और करम नहीं थी काया। अरे अलख पुरुष को जिबिया नहीं थी तो शब्द कहां से आया। और वो शब्द जो आदि से अंत तक हमेशा सर्वांगसम स्थिति में मौजूद है इसीलिए कहा है। अरे शब्द हमारा अधिकार, शब्द हमारा अधिकार, पल पल करूं याद। अंत फलेगी माहेली और सभी बकवास।
बात है, बिना जमीन के कुआ है, बिना शीश की पनियारी पानी भरती है, उस बाड़ी को चूगने के लिए पक्षी, खाने के लिए जब मृग आते हैं तो धनुष बाण लेकर के शिकारी तैयार होता है। धनुष पर सांप नहीं चढ़ती, पर वो मृग को मार करके उसका मांस ले आता है और फिर अपनी पत्नी को देता है कि इसको बनाओ। अब पत्नी पानी भरने चलती है कैसे? भोजन कैसे बनाती है? I don't.